नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं सोचती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। पता है वो विषय क्या है? वो है उपवास। आपला खानदेश में पोरे सुने तुमले माहित छे की एक उपवास पट्टासले आवडस, पण त्या उपवासन नाव काय छे सांगा बरं पटकशी? हां बरोबर, कोणता उपवास आपल्या पट्टासले आवडस? आषाढी एकादशी। का बरं आवडस बरं आपल्या उपवास? मला माहित छे, कारण असं म्हणतात एकादशीनी दुप्पट खाशी। बरोबर छे, एकादशी नरोबर काय खातात आपण? भगर, आमटी, वेपर, साबुदाण्यांचा कला, साबुदाणा वडा, साबुदाणा, दूध, पोहे। बापरे बाप, मनीषन म्हणतात एकादशीनी दुप्पट खाशी। और बच्चों, वैसे तो देखा जाए कि हर एक धर्म में अलग अलग उपवास की प्रथा है, तो हम उसी प्रकार से अपने धर्म के अनुसार, प्रथा के अनुसार उपवास पकड़ते हैं। लेकिन आज जब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं पेटूराम का, उसमें भी पेटूराम ने उपवास रखा है, लेकिन उनके भी जो उपवास को लेकर जो बातचीत हुई है ना, वो बहुत मजेदार है। और देखो पेटूराम उसके उपवास में क्या क्या खाने के लिए मांग रहा है, अगर हम सबको ये जानना है तो चलो आज हम पढ़ते हैं पांचवी कक्षा का पेटूराम का।